नाम क्या है? सानिध्य। सो तुमने आर्टिमिशा कॉलेज जो है अपने ज्वाइन क्यों किया? ट्रांसपोर्टेशन डिजाइनिंग कर रहा हूँ कुछ कुछ सीखने के लिए, कुछ नया और अपने स्किल्स को और डेवलप करने के लिए। थ्री डी व्यू, टू डी व्यू, पर्सपेक्टिव, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, बस। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा एंड आप पहले कहाँ पे थे? है। DSK इंटरनेशनल पुणे, डीएस के? इंटरनेशनल पुणे, ओके। वहाँ पे कितने साल का कोर्स है? ऐसे 5 साल का, बट मैं 1 साल के लिए था, ओके। उसके बाद आपने छोड़ दिया? छोड़ दिया, छोड़ क्यों दिया। छोड़ा? अच्छा, तो वहाँ पे प्री प्रोडक्शन अच्छा नहीं था? मैंने प्री प्रोडक्शन, मतलब देखो प्री प्रोडक्शन पता ही, पहली बार यहाँ के चला था आर्टिमिशा में। हाँ आर्टिमिशिया आर्टिमिशा में आके। हाँ, तीन लेवल होते, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। वहाँ तो नॉर्मली था कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में सब कॉमन था, सेकेंड ईयर में धीरे धीरे ब्रांचेज होगी ऐसे। आर्टिमिशिया में आके आपको पता चला कि प्री हाँ प्रोडक्शन क्या होता है? अगर बट प्री, ऐसा था कि हम वहाँ भी पर्सपेक्टिव सिखाते थे, बट हाँ इतना एकदम, जैसे वहाँ रेशो कुछ ज्यादा है, हाँ वैसे यहाँ है आपका रेशो एकदम 1:1 टाइप था, हाँ तो उससे भी फर्क पड़ता है बहुत। अच्छा। तो वहाँ पे इतना डिटेलिंग नहीं था? डिटेलिंग था बट वो एक एक बच्चे पे फोकस नहीं कर पाए, जैसे 100 बच्चे एक क्लास में, टीचर्स 2, तो ऐसा अच्छा, जमा फोकस नहीं कर पाए।